हराम पैसों से हलाल कारोबार का क्या हुक्म है? हराम पैसों से हलाल कारोबार भी किया तो उसकी भी अर्निंग हराम ही होगी, हलाल नहीं होगी। अब उसकी अर्निंग अगर आप हलाल करना चाहते हैं तो तरीका ये है कि जो कैश हराम पैसे आपको मिले थे, अगर वो उसी तरह रखे हुए हैं तो वो पूरे पैसे सदके करने पड़ेंगे आपको बगैर सवाब की नियत से। अगर वो कैश अमाउंट उस तरह नहीं है बल्कि वो दूसरे पैसों में मिक्स हो गया, या ये कि उससे आपने बिजनेस की नियत से कुछ चीजें खरीद ली हैं, तो फिर वो पैसे हलाक हो गए। हलाक हो गए तो फिर जो चीजें आपने खरीदी हैं बिजनेस करने के लिए, जहां जहां भी पैसा लगाया है, तो उसकी कुल कारोबार की मालियत का अंदाजा लगाएं कि इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, यानी पूरे जितने भी एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं, जो कुछ भी जो जो उन पैसों से खरीदा था आपने, उसकी मार्केट वैल्यू लगाएं। फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू बनती है 3 लाख रुपए, तो फिर आप ये अपने ऊपर लाजिम कर लें कि ये 3 लाख रुपए मैं सदका करूंगा। तो जब आप सदका करना शुरू कर देंगे तो ये पैसे आपके लिए हलाल हो गए और जो इनसे अर्निंग आ रही है वो भी हलाल। लेकिन आप जल्द से जल्द जो है ना इस जिम्मेदारी को पूरी करें और फौरन वो जितना जल्दी हो सके वो जो सदका आप पर वाजिब हुआ है, जो आप खरीद चुके हैं ना, वो तमाम उतनी अमाउंट आप जल्द से जल्द सदका कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे कारोबार की जो अर्निंग होगी आपके लिए हलाल हो जाएगी।